प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यू पे हेलो वर्ल्ड, ये ऐप का नाम होंगे प्रोजेक्ट का। बाकी चीजें भी हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये हम अब लोड क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ये फोल्डर बन गया। यहाँ पर हम सोर्स पे राइट क्लिक करके, थोड़ा सा स्लो है ये लैपटॉप, यहाँ से हम न्यू पे जाके क्लास पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। तो ये याद रख ले कि आपके पास जो जावा का क्लास नेम है और जो प्रोजेक्ट नेम है, ये सेम होना चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड ये नाम लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर हम देख ले, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो मेरे पास ये चीज है कि आपके पास एक पब्लिक क्लास बन गया है और क्लास का नाम क्या है आपके पास, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये इसके अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, ये आपके पास क्या है, हेलो वर्ल्ड एक ऐप है, क्लास है, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम मेन मेथड को स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मेन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, जब ये हमारे पास मेन मेथड हो गया। पब्लिक का मतलब ये कि आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, वाइड कोई रिटर्न टाइम नहीं है, मेन मेथड है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट फ्रंट एलिस, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन कर दूं यहाँ से, तो ये देखिए आपके पास क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये आपके पास क्या है, सबसे बेसिक एक प्रोग्राम है जावा का यूजिंग एक्लिप्स टूल। ये आपके पास क्या है, एक बार और देख लेते हैं, आपके पास क्या है, पब्लिक क्लास है, जो पब्लिक है, क्लास का नाम है आपके पास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आपके पास एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये आप पहले अभी तक ये जस्ट इसी तरह याद रख ले कि हमने अगर मेन मेथड को लिखना है तो हम इस तरह के लिखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑर्ग्स और ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर यहाँ हम लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो इसी तरह डबल कोटेशन में लिख लेंगे, सिम कॉलोन लगा देंगे, और फिर इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।